लाहौर से एक और खबर है जहां टीएमए इकबाल टाउन ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में मुर्दा मुर्गियों का गोश्त कब्जे में लिया गया है। लाहौर में टीएमए इकबाल टाउन ने कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियों का गोश्त कब्जे में ले लिया है। 300 किलोग्राम मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद किया है, मुर्दार मुर्गी है 300 किलोग्राम। जानेंगे फसीउल्ला से। फसी बताइएगा कितना गोश्त पकड़ा गया और ये कहाँ सप्लाई होना था? हाँ जी बिल्कुल, टीएमए इकबाल टाउन जो है उसकी यहाँ पर जोहर टाउन मीन बुलीवार्ड के इलाके में उन्होंने कार्रवाई की है और वहाँ से 300 किलोग्राम मुर्दार जो मुर्गी है उसका गोश्त वहाँ से कब्जे में लेकर जो है उसे तलब कर दिया है। इसमें बताता चलूँ कि टीएमओ इकबाल टाउन अली हसन जाफरी की सरबराही में ये कार्रवाई की गई थी और वहाँ पे इतला थी कि यहाँ से जो है मुर्दार जानवरों का जो गोश्त है ये सप्लाई किया जाता है और मुख्तलिफ शादी हालों के और शादी जो कैटरिंग के हैं वहाँ पर इसका गोश्त जो है सप्लाई किया जाता है, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए वहाँ पर जो गोश्त था उसको चेक किया और उस पर जो है वेटरनरी ऑफिसर को वहाँ पर तलब किया गया और उस बाद उस ऑफिसर ने इस बात की तस्दीक की कि ये जो गोश्त है ये मुर्दार मुर्गियों का है, जिस पर जो है तमाम 300 किलोग्राम जो गोश्त है उसको कब्जे में ले लिया गया और वहाँ तीन जो मुलाजमीन थे मौजूद उनको जो है हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसमें एक तो आबित पोल्ट्री फार्म, दूसरा अली करीम पोल्ट्री फार्म जो कि एक्सपो सेंटर के करीब ही वाक़ हैं, वहाँ ये कार्रवाई की गई है। इस हवाले से टीएमओ से बात हुई तो टीएमओ अली हसन जाफरी का कहना था कि यहाँ से इतला थी कि यहाँ से जो गोश्त है वो मुख्तलिफ शादी के फंक्शन में सप्लाई किया जाता है और इस पर कार्रवाई की गई है और इसमें यहाँ से मुलाजमीन को जो है वो हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले किया गया, जबकि दोनों पोल्ट्री फार्म को जो है सील कर दिया गया है। अच्छा फसी, ये बताइएगा गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश हुई है, क्या बात सामने आई है इस तफ्तीश में? जी बिल्कुल, क्योंकि ये वक्त इस वक्त जो है क्योंकि जो मालिकान है पोल्ट्री फार्म के वो वहाँ पर मौजूद नहीं है तो जो मुलाजमीन थे उन्हीं को हिरासत में लिया गया है और उनको अभी पुलिस के हवाले कर दिया गया है और उन मुलाजमीन का यही कहना है कि वो यहाँ पर 2 से 3 साल के अरसे से काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें मालिकान की जानिब से कोई इतला नहीं है कि वो कहाँ पर रहते हैं और उनका ये कहना है कि जो पुलिस मजीद इसमें कार्रवाई करेगी और सुबह जो है यहाँ के मालिकान की जो है वो तलाश की जाएगी, जो मालिकान है उनको भी जो पकड़ कर जो है उनके खिलाफ भी FIR मुकायदा तौर पर दर्ज की जाएगी।